दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के महंत सुरेश दास ने कहा कि संस्कृति की विशिष्टता एवं महानता के कारण ही भारत को जगत गुरु कहा जाता है और सृष्टि के आरंभ से ही गो सेवा इस विशिष्ट भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। गो माता की महिमा से परिपूर्ण इस भारत भूमि पर जन्म लेने को देवता भी ललायित रहते हैं। गो सेवा के बिना भारतीय संस्कृति की पूर्णता नहीं हो सकती। महंत सुरेश दास युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 53वीं तथा राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के अंतर्गत सोमवार को भारतीय संस्कृति एवं गो सेवा विषयक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत गंगा जमुना सरस्वती जैसी पुण्य सलीला नदियों का देश है, अयोध्या वृंदावन मथुरा काशी जैसी मोक्षपुरियों का देश है, इससे भी बढ़कर यह प्रभु पूज्य देव पूज्य और सर्व पूज्य गौ माता का देश है, इसलिए भगवान के भी सभी अवतार भारत में ही होते हैं। उन्होंने कहा कि अनादिकाल से ही गौ माता भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं अपितु गाय की महत्ता आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गाय से प्राप्त हर उत्पाद हमारे लिए संजीवनी समान है। महंत सुरेश दास ने कहा कि गो रक्षा और गो सेवा के माध्यम से भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में गोरक्षपीठ का अतुलनीय और अनिर्वचनीय योगदान है। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के आदर्शों पर चलते हुए वर्तमान पीठाधीश्वर एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गो सेवा तो जन जन के लिए अनुकरणीय है। संगोष्ठी में नीमच मध्य प्रदेश के महंत लालनाथ ने कहा कि गोरक्षपीठ से मिली गो सेवा की प्रेरणा से वह भी नीमच के मंदिर में गौशाला संचालित करते हैं। उन्होंने कहा कि गो सेवा को अहर्निश महत्व देने वाले गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में गौ सेवा और गौ रक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है। एक बार फिर गौ माता को आर्थिक समृद्धि के आधार रूप में माना जा रहा है। कालिका मंदिर नई दिल्ली के महंत सुरेंद्र नाथ ने कहा कि गाय को माता इसलिए कहा जाता है कि हम जीवन पर्यंत इनके दूध का सेवन करते हैं। उन्होंने कहा कि गाय से प्राप्त हर उत्पाद अमूल्य है, मसलन गोमूत्र से अनेक औषधियों का निर्माण होता है और यह सबसे सटीक और सुरक्षित कीटनाशक भी है। दुधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद के महंत नारायण गिरी ने कहा कि गाय से प्राप्त पंचगव्य से कई रोगों का इलाज संभव है। बड़ौदा गुजरात के महंत गंगादास ने कहा कि हम यह तो कहते हैं कि गाय में 33 करोड़ का निवास है, लेकिन कई बार गाय को मारने के लिए दौड़ा देते हैं। हमें अपनी मान्यता के अनुसार श्रद्धा भी रखनी होगी। कटक ओडिशा से आए महंत शिवनाथ ने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति के 16 प्रमुख स्तंभों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गो सेवा करते थे, इसलिए उनका एक नाम गोपाल पड़ा। श्रृंगेरी मठ कर्नाटक से पधारे योगी कमलचंद्र नाथ ने भारतीय संस्कृति एवं गो सेवा के संदर्भ में गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों की मुक्त कंठ से सराहना की। इस अवसर पर पूर्व पशुधन विकास अधिकारी एवं गो सेवक वरुण कुमार वर्मा वैरागी ने गो महिमा पर काव्य प्रस्तुति की। संगोष्ठी में पहुंचे सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा कि आज पूरे विश्व में सनातन संस्कृति को सम्मान मिल रहा है और गो माता हमारी संस्कृति की एक शक्ति है। उन्होंने अपने बाल्यकाल में पिता से मिले गो सेवा के संस्कारों का संस्मरण सुनाते हुए कहा कि गो सेवा की संस्कृति को हम सभी को संजोकर रखना होगा। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह ने कहा कि हमारी संस्कृति का पहचान ही गो सेवा से है। उन्होंने गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के गो प्रेम का उल्लेख करते हुए कहा कि गोरक्षपीठ की गौशाला में गोरक्षा गो सेवा गोपालन और गो पूजा के साक्षात दर्शन किए जा सकते हैं। संचालन डॉक्टर श्री भगवान सिंह ने किया। संगोष्ठी का शुभारंभ ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के चित्रों पर पुष्पांजलि से हुआ। वैदिक मंगलाचरण डॉक्टर रंगनाथ त्रिपाठी व गोरक्ष अष्टक का पाठ गौरव तिवारी और आदित्य पांडे ने किया। इस अवसर पर महंत नरहरिनाथ महंत देवनाथ महंत राम मिलन दास महंत मिथिलेश नाथ महंत रविन्द्र दास योगी रामनाथ महंत पंचाननपुरी गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ समेत संख्या में लोग उपस्थित रहे।